वेलकम टू माय चैनल। और अपन ग्रेविटेशन में ग्रेविटी और इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे, और लेक्चर 5 है आज का। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बताओ जरा, क्या करते हैं? तीन इक्वेशन मोशन है। इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो जब हम ग्रेविटी के लिए तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एस को तो एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, और ए को ए जी को जी से। से रिप्लेस कर देते हैं। जो एक्सलेशन है उसको जी से, जो ग्रेविटी की वजह से एक्सलेशन है उससे रिप्लेस करते हैं, और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट है उसको हम हाइट से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, फ्री फॉल में हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, और फिर वो वापस आ रहा है। तो फ्री फॉल के अंदर जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं, तो एक्सलेशन बाय एन ऑब्जेक्ट जी से रिप्लेस हो जाता है, और जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट है वो हाइट से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉन्स्टेंट नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ। थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन यूज टू डिस्क्राइब मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर एक्सलेशन कैन बी अप्लाइड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ फ्रीली ऑब्जेक्ट रिप्लेस विद जी, ए विद जी एंड एस विद एच। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, नहीं कर सी रहे थी जी जी बाय जी जी टी। वो आदत है। सेकेंड, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 GH। ठीक है, हाँ, लेकिन अब इम्पोर्टेंट जो तुम्हें दी, इक्वेशन ये नहीं, v²-u² = 2g। हाँ तो जब यू स्क्वायर माइनस है इधर आएगा तो प्लस में हो जाता है। थैंक यू। अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आपको जी कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है। जब ऊपर जा रहे होते हैं अब मंद अब वेलोसिटी के मेरी साथ, एक चीज बात ध्यान रखो, आपके पास दो तरह के मोशन है, एक तो ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है और एक है ऊपर से नीचे आ रहा है। जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है तो उस केस में भी ऊपर की साइड है, और जबकि एक्सलेशन जो है उसकी डायरेक्शन नीचे की साइड है। जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की साइड आ रहा है तब वेलोसिटी भी नीचे की साइड है और एक्सलेशन की डायरेक्शन भी नीचे की साइड है। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, वेलोसिटी और एक्सलेशन, तब हम जी को पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव साइन लेते हैं। और जब वेलोसिटी और एक्सलेशन अपोजिट साइन में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो उस केस में हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो व्हेन क्या करेंगे, वी कंसीडर जी पॉजिटिव व्हेन जी एंड वी बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन इन मोशन, और जी इज नेगेटिव व्हेन बोथ अपोजिट द मोशन, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। समझ आ रहा है। समझ में आ रहा है, अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो पता लगेगा। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, दो तीन केस डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप, जब ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ा गया, तो हाँ तो u 0 होता है, उस केस में जब हमने बिल्कुल यहाँ से ऑब्जेक्ट को छोड़ा, तो उस केस में यू कितना होगा, 0, जीरो होगा। और ठीक फिर है, हाइट होगी जितना डिस्टेंस उसने डिस्टेंस कवर करा है कवर किया है। दोनों ठीक है, में, और वी इसकी फाइनल वेलोसिटी जो वेलोसिटी ग्राउंड को टच करने से पहले है, और जी क्या लेंगे, 9.8 वरना 10 अगर नाइन एग्जांपल के पॉइंट लिए, एट या 10 लेंगे। पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर नीचे आ रही है तो पॉजिटिव। नीचे ही आ रहा है, आप तो देख ही रहे हो, तो इस केस में हम जी को पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट व्हेन ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट 1 मीटर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट, इट्स इनिशियल वेलोसिटी टेकन टू जीरो, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और कंटिन्यूअसली क्या होगा, इंक्रीज होगी, इंक्रीज हो रही है तो एक्सलेशन हो रहा है उसकी वजह से। और मैक्सिमम वेलोसिटी कब अटेन करेगा, जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड को टच करेगा उस टाइम उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। सपोज इस केस में मैक्सिमम वेलोसिटी 4.43 मीटर पर। चलो केस सेकंड क्या है, केस सेकंड देख, हमने क्या लिया, ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर थ्रो किया और फिर वापस वो नीचे आया। ठीक है, तो जब हम इसको थ्रो कर रहे हैं तो किसी वेलोसिटी के साथ थ्रो कर रहे होंगे जो कि ऊपर की साइड वेलोसिटी है। जब ये ऊपर पीक पे पहुंचेगा तो उसके इसकी वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। हाइट ट्रेवल करेगा h,
और इस केस में जो जी लेंगे हम वो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ऊपर जा रहा है ऊपर तो जा रहा है नेगेटिव तो ही है। नेगेटिव वैल्यू लेंगे, तब हम क्या करेंगे नेगेटिव वैल्यू लेंगे। जब बॉल नीचे से ऊपर जा रही है, अब ऊपर पहुंच गई, इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, फिर भी वापस आना स्टार्ट हुआ, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, और जब ये ग्राउंड से टच करेगा तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड कर लेगा जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। इस केस में जब जी को हम लेंगे वो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। एनसीईआरटी बुक का है ये। कार फॉल ऑफ ऑफ लेज एंड ड्रॉप टू अ ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। जी को 10 लेना है, ठीक है, फिलहाल ये सिंपलिसिटी के लिए बोल रहा है, कैलकुलेशन जिससे आसान हो जाए। स्पीड पूछ रहा है ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, जो ग्राउंड पे टच हुआ। एवरेज स्पीड पूछ रहा है 0.5 सेकेंड में, और हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, एच पूछ रहा है। क्या क्या पूछ रहा है, जब ग्राउंड से टच हुआ यानी कि फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, वी पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, और फाइनल एच पूछ रहा है, फाइनल पूछ रहा है। इनिशियल वेलोसिटी हो तो गया, आपके पास क्या है, ये थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन है। आप इन तीनों को देखोगे और डिसाइड करोगे कि किस केस में हमें कौन सी इक्वेशन यूज करें। पहली वाली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे और हमारे पास वी आ जाएगा, तो टी इक्वल टू हाफ टी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सलेशन 10 लेना है, कार की वजह से भी डायरेक्शन ध्यान रखनी है क्योंकि कार ऊपर से नीचे गिर रही है, तो जी की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। अच्छा 1.25 मीटर। देखते हैं, तो वी की वेलोसिटी तो आ गई 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एवरेज स्पीड है 2.5, दोनों को जोड़ा और डिवाइड बाय 2, हाइट और देख लेते हैं 1.25 मीटर तो यार। 1.25 मीटर, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों वैल्यू आ गई आपकी। एग्जांपल आसान है। एग्जाम्पल आसान होते हैं, फिर अभी देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल और एक और एनसीईआरटी का नहीं सॉल्व करना पड़ेगा। अभी सेकंड एग्जाम्पल है एनसीईआरटी बुक का। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली, अब नीचे से ऊपर फेंका गया है, हाइट एच डी है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड। इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, डिस्टेंस, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच हाईएस्ट पॉइंट, क्या फ्रेम कितना लॉन्ग टाइम लगा वो चाहिए। अपवर्ड मोशन है तो याद रखना बी जो है माइनस लेंगे, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है, बता कौन सी लेंगे। पहले वाला है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालनी है व्हेन थ्रोन अपवर्ड, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। वाली नहीं, दूसरी दूसरी कैसे करेगी, एच आखिरी है, नहीं, एच आखिरी है हमारे पास, जी है, टी आखिरी नहीं, स्क्वायर भी नहीं है हमारे पास, माइनस स्क्वायर इक्वल टू 2 हाँ लास्ट वाली इक्वेशन लेंगे। लास्ट वाली इक्वेशन यूज करो और मुझे बताओ क्या वैल्यू आ रही है, स्क्वायर यू कितना आया। जी की वैल्यू माइनस लेनी थी मैडम, हाँ मतलब हाँ माइनस तो ही माइनस, माइनस हाँ माइनस लोगे, माइनस हाँ प्लस होता है फिर ये आ रहा है 14 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, टाइम और क्या निकालना है टाइम निकालना है कितना टाइम लगा, तो टाइम निकालने के लिए कौन सी यूज करेंगे। पहला अब वाला आपको पास बी भी है ये भी है, फर्स्ट यूज कर लेंगे, प्लस टी आ जाएगा, जी कितना होगा 9.8 है लेकिन माइनस में यूज करना है ये ध्यान रखना, तो टी आ रहा है आपका 1.43 सेकेंड। सेकेंड।
अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप करिएगा, नहीं होंगे तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा, फिर हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा मास और वेट पे होगा, नेक्स्ट लेक्चर ऑन मास एंड वेट। और प्रॉब्लम्स जो है कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। थैंक यू।